नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर. अगर लेंस और मिरर अगर आस पड़ोस में पड़े हों तो उनके कॉम्बिनेशन को बेटा कैसे फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है वो देखते हैं. वैसे तो देखो है ना, लेंस और मिरर अगर आस पड़ोस में पड़े हों, दूर भी पड़े हों, तो हमने इमेजेस निकाली हैं कि कहाँ बनेंगी. याद करो बेटा, अपने एक सवाल किया था कि एक लेंस पड़ा था, फिर थोड़ी दूर मिरर पड़ा था, रेज आई थी, लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, इमेज बनी, वो इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट थी, फिर लेंस ने रिफ्लेक्ट करके कहीं ना कहीं इमेज बनाई, जो इमेज थी वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट थी, और हमने तीन बार रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लगाया था. दो बार फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f लगाया, और एक बार हमने 1/v + 1/u = 1/f लगाया. जब रेज इधर आ रही थी तो ये साइड प्लस थी और ये साइड माइनस थी, और फाइनली जब लेंस पर रेज यू आ रही थी तो ये वाले साइड प्लस थी और ये वाले साइड माइनस थी. हम ये सवाल कर चुके हैं बेटा, हम ये सवाल निपटा चुके हैं. अब हम उसका एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं. फॉर्मूला ना भी निकालें तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि मुझे सवाल नहीं बनेगा. सवाल तो हम बना चुके हैं और आगे बना लेंगे, लेकिन फॉर्मूला से चीज़ें आसान हो सकती हैं. फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब लेंस और मिरर बहुत नज़दीक हो, अदरवाइज तो बेटा जैसे आप करते आए थे वैसे ही करेंगे. तो बेटा फॉर्मूला सिर्फ तब है इफ लेंस एंड मिरर आर वेरी नियर. अगर लेंस और मिरर अगर बहुत नजदीक हैं तो ही बेटा हमारा फॉर्मूला काम देगा, अदरवाइज बेटा हमारा फॉर्मूला काम नहीं देगा. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, मान लो कि हमारे पास ये एक लेंस है और इसके जस्ट पास में, बेटा बिल्कुल पास में एक मिरर है. लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा वो FL है, और मिरर की जो फोकल लेंथ बेटा लेट से FM है. यहां कहीं ना कहीं बेटा कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज इस तरफ आ रही है, ये साइड प्लस ये साइड माइनस. ये जो रेज आ रही है इनके साथ क्या होगा बेटा आप जानते हो, पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, जो इमेज होगी बड़ा इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर इस लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, जब रेज वापस आ रही होगी तो इससे वापस से रिफ्रैक्शन होगा. बस ये याद रखना कि जब इससे दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो बड़ा रेज यू आएंगे तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस हो जाएगी उस अगले वाले रिफ्रैक्शन के लिए. देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. चलो बेटा निपटाते हैं इस काम को. सबसे पहले रिफ्रैक्शन बाय लेंस. लेंस से जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए बेटा आप जानते हो 1/v1 - 1/u = 1/FL. कोई दिक्कत थोड़ी बेटा इसमें. इस लेंस ने पहली जो इमेज बनाई है बेटा वो v1 में बनाई है. अब क्या होगा, अब होगा रिफ्लेक्शन बाय मिरर. बेटा साइन कन्वेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेंस के लिए भी ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, मिरर के लिए भी ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस. तो आप बोलोगे सर मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u. ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट वही है जहां पर इस लेंस के लिए इमेज थी, और दोनों इतने नजदीक हैं कि बड़ा बीच वाले डिस्टेंस को ऐड वेड करने की जरूरत नहीं है. तो आप कह सकते हो कि इस मिरर ने इमेज बनाई है v2 पे, और इसके लिए ऑब्जेक्ट है वहां पर जहां पर लेंस ने इमेज बनाई थी, दैट इज इक्वल्स टू 1/f. बेटा चेक किया ना फॉर्मूला, बेटा वो लगा दिया मिरर वाला 1/v + 1/u = 1/f वाला. अब वापस से रिफ्रैक्शन बाय लेंस. लेंस से जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए बेटा फाइनल इमेज 1/v - 1/u. यू बेटा क्या होगा, जो इसके लिए इमेज है बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 1/FL. मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन हल्की सी गलत हो गई. गलत इसलिए होगी क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरी इक्वेशन के अंदर ये जो v, v2, FL ये सब है ना बेटा, ये साइन कन्वेंशन के बेटा पंगा तो इसके अंदर है ही यार. साइन कन्वेंशन के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि लेंस, इस लेंस के लिए ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस है. हमने शुरुआत में इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया. तो एक काम कर लीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए. यहाँ माइनस लगाने से अच्छा कि यहाँ माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लेंस के लिए जब अगली बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो इसके लिए जो प्लस फाइव है, हमने जो शुरुआत में जो कार्टेशियन सिस्टम लिया था उसके लिए वो माइनस फाइव है. जब इस लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद बेटा मान लो कि इसको अगर मैं बेटा रेज इस तरफ आती, मान लो ये प्लस और ये माइनस है, तो जहां कहीं पर बेटा तुम मान लो कि प्लस 10 मान रहे हो, हमारे शुरुआत वाले अरेंजमेंट के लिए वही तो माइनस 10 है, तो
तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, यहां पर माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगाने से अच्छा है यहां लगा दो, एक ही बात है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, ये बेटा माइनस किस बात का है कि साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज हो गया है। बेटा साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज हो गया है, इस बात का माइनस है। मैं आपसे पूछ रहा आपको किसमें इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो ना इनिशियल ऑब्जेक्ट कहाँ है उसमें इंटरेस्ट है और फाइनल इमेज कहाँ है उसमें इंटरेस्ट है। मुझे इस V2 के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इस V1 में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या करें बेटा? बेटा मेरे ख्याल से इसके लिए बेटा इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 घटा दो और 3 को ऐड कर दो। इक्वेशन 2 में से 1 घटा दो और 3 ऐड कर दो। बेटा जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से बेटा 1 घटाया, तो बेटा मेरे पास जैसे 1 घटाऊंगा तो बेटा 1 बाय v1 हो गया गायब। बेटा 3 को ऐड करूंगा तो 1 अपॉन v2 हो जाएगा गायब। बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा LHS में, क्या बच जाएगा 1 बाय v। बेटा इक्वेशन 2 में 1 को, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू, इसके अंदर में से इसको माइनस किया बेटा दैट इज 1 अपॉन fm माइनस 1 अपॉन fl। बेटा फिर थर्ड इक्वेशन को ऐड किया दैट इज 1 अपॉन fl। हमारे पास कुल मिलाकर फॉर्मूला आ गया 1 बाय v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fm माइनस 2 अपॉन fl। इस फॉर्मूले से दो बातें पता लगी है, दो खास खास बातें पता लगी है। एक तो ये कि 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू समथिंग आया है, तो इसका मतलब दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मिरर। ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि बेटा जी ये फॉर्मूला किसका है, तो मिरर फॉर्मूला है 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू समथिंग। ये अगर हमारा मिरर फॉर्मूला है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि हमारा सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो लेंस की तरह बिहेव ना कर मिरर की तरह बिहेव करेगा। करना भी चाहिए बेटा, रे पलटकर वापस आ रही है, उधर तो जा ही नहीं रही है, और हम जानते हैं कि बेटा लेंस वाले केस में तो उधर जाना जरूरी था, तो सारा का सारा जो अरेंजमेंट है बेटा वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि बेटा सिर्फ और सिर्फ मिरर की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन f equivalent इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fm माइनस 2 अपॉन fl। दो ही बातें याद करनी है, बड़ा सिर्फ दो बातें करनी है। पहली बात, दिस अरेंजमेंट विल बिहेव लाइक मिरर, पहली बात पढ़ाइए, और ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ हुज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी गिवन बाय, बड़ा कौन से फॉर्मूले से, 1 अपॉन f equivalent इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fm माइनस 2 अपॉन fl। ये ले बेटा, हमें इस सारे के सारे अरेंजमेंट को एक इकलौते मिरर से, एक सिंगल मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से आ जाएगी। और अगर हमने इन इस लेंस को और इस मिरर को उस इकलौते मिरर से अगर रिप्लेस कर दिया, तो वो इकलौता मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज वैसे ही बनाएगा जैसे ये दोनों मिलकर बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी बनाएगा जितनी ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो बड़ा अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है, तो हम इस तरह से इस लेंस और मिरर को एक इकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, इकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं। फेयर एनफ। चलिए बेटा आगे चलिए, इस बात पे सवाल करते हैं, देखते हैं बेटा क्या क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, उस बात को डिस्कस करते हैं, हमें हल्का फुल्का और कुछ बातों का भी आइडिया लगेगा। चलिए बेटा एक सवाल पूछता हूं आपसे ना, ठीक। बेटा ऐसा है कि आपके पास ये एक लेंस और इस लेंस के जस्ट पास में ये बड़ा मिरर,
बिल्कुल नजदीक नजदीक बना है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर बेटा, और ये जो लेंस है बेटा इसकी फोकल लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है यार, ठीक है ना। इस पूरे अरेंजमेंट के सामने यहां कहीं बेटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 1 मिलीमीटर है और ये डिस्टेंस मेरे बाल को 15 सेंटीमीटर है बेटा। ये सेपरेशन बहुत ही कब है, कोई बहुत बड़ा सेपरेशन है नहीं। फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन और इमेज की हाइट बताओ। वैसे तो बेटा हमने ठीक है फॉर्मूले वॉर्मूले निकाले लिए, कोई कहते सर नई फॉर्मूले याद करने मेरे को, सर मैं ऐसे कर लूँ बेटा, बिल्कुल कर लो। इस लेंस से रिफ्रैक्शन जहाँ इमेज वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बेटा वापस से लेंस के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए जो इमेज बेटा फिर से इस लेंस के लिए बेटा वो ऑब्जेक्ट। तो तीन बार बेटा अपन को रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा क्यों नहीं आएगा। लेकिन जब हमने बेटा यही सारा काम करके आंसर निकाल रखा है तो उसे यूज कर लेते हैं, थोड़ा फायदा रहेगा। तो चलिए करते हैं इस काम को। इस लेंस को और इस मिरर को मैं एक इकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f=1/fm, मिरर की फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 तो फोकल लेंथ 10 प्लस 10 बेटा क्या प्लस 10, कॉन्वेक्स है ना इसलिए बेटा प्लस 10 -2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस बेटा, लेंस की फोकल लेंथ आपके पास 10। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट बी -1/10 बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास आ गया -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो एक ऐसे मिरर की तरह बिहेव करेगा जिस मिरर की फोकल लेंथ बेटा -10 सेंटीमीटर है। बेटा -10 सेंटीमीटर कौन से मिरर की होती है आप बोलो सर, कौन के मिरर की होती है नेगेटिव, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को रिप्लेस कर दो एक इकलौते कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ बड़ा हमें पता है कि -10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट बड़ा कहां पड़ा है हमें दे रखा है कि बड़ा ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कितना है बड़ा 1 मिलीमीटर हाइट का है, 15 सेंटीमीटर बड़ा ये है। हमसे पूछा है कि इसकी इमेज कहां बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी, दोनों ही काम कर लेंगे अपन। तो कहां बनेगी बड़ा उसके लिए फॉर्मूला 1/v प्लस के बड़ा, बिकॉज दिस एंटायर अरेंजमेंट इज बिहेविंग लाइक ए मिरर, 1/v प्लस 1/u बड़ा, u की वैल्यू -15 दैट इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ बड़ा, मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 -1/10 बड़ा। देखना क्या लिखूं, नीचे बड़ा आ गया 30 बड़ा, आई थिंक दिस इज 2 -3 बड़ा, v की वैल्यू आ गई है -30, इमेज बड़ा बनेगी -30 पे। सर कितनी बड़ी बनेगी बड़ा, कितनी बड़ी बनेगी उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा मिरर वाला लगा ना मिरर में बेटा, मेरे ख्याल से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था -V/U, -V की वैल्यू -30, U की वैल्यू बेटा -15, मैग्नीफिकेशन आ गया -2, मैग्नीफिकेशन -2 का अर्थ ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मिलीमीटर तो इमेज की हाइट 2 मिलीमीटर। तो आप कह सकते हो कि फाइनल आंसर ये है कि इस अरेंजमेंट से 30 सेंटीमीटर दूर बड़ा आपकी इमेज बनेगी, एंड इमेज विल बी लाइक दिस, ये 2 मिलीमीटर है। बढ़िया है, क्या दिक्कत है। और कोई कहते हैं कि सर मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता बड़ा, मत लगाओ, ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो 3 बार लगाना पड़ेगा, तो मर्जी आपकी बड़ा है ना, बड़ा मर्जी आपकी। और अगर बड़ा इन लेंस और मिरर के बीच में अगर सेपरेशन आ गया तो बड़ा फिर तो करना ही पड़ेगा, 3 बार ही करना पड़ेगा, 2 बार तो 1/v -1/u = 1/f और 1 बार बड़ा 1/v + 1/u = 1/f, वो हम कर चुके हैं पहले से है ना बड़ा, हम कर चुके हैं, ये तो नया काम है एकदम लेटेस्ट। चलिए बेटा एक और थोड़ी सवाल की लैंग्वेज समझाने के लिए बड़ा बता रहा हूं, ये जो लैंग्वेज है बड़ा इस तरह की लैंग्वेज आपको स्टैंडर्ड बुक्स में HCV के अंदर या फिर अपने बड़ा शीट और मॉड्यूल DPB के अंदर इस तरह की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपसे बड़ा लैंग्वेज बेस्ड भी एक दो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ऐसा है कि बड़ा ये लेंस और
इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर, एंड लैंग्वेज में ऐसा लिखा होगा कि वन ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड। बड़ा समझ के, जो लेंस का एक सरफेस है उसको ने सिल्वर्ड कर दिया। जैसे सिल्वर्ड कर दिया ना, ये एक लेंस हो गया और एक मिरर हो गया। मिरर बेटा कौन सा? कॉनकेव वाला। बेटा मिरर भी कैसा? कॉनकेव वाला। तो ठीक है बेटा, सिंपल सा अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के सामने बेटा यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, 1 मिलीमीटर बेटा ये, और इसकी डिस्टेंस बेटा लेट से 60 सेंटीमीटर है। सवाल बेटा आप जानते ही हो, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। बट नेक्स्ट इज फाइंड पोजीशन एट हाइट ऑफ इमेज। बहुत ही सिंपल सा काम बेटा। पहले ना इस सारे के सारे लेंस को ना इसको ढंग से लिखो यार, ऐसे लिखो, इसको ऐसे दिखाओ कि लेंस को अलग से दिखाओ जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 3/2, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है बड़ा वो आपके 20 सेंटीमीटर, और साथ में एक मिरर ऐसे लगा दो, ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा कितना है 20 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन से कि सर दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक इन मिरर, और उस मिरर की फोकल लेंथ किससे आएगी? तो आप बोलोगे सर उसी से आएगी। क्या था वो? 1/f इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। 1/fm मिरर की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 तो फोकल लेंथ 10, प्लस 10 या माइनस 10? आप बोलो सर कॉनकेव है इसलिए माइनस 10, माइनस 2। 1/fl बड़ा लेंस की फोकल लेंथ, 1/fl को बड़ा हम शायद ऐसे लिखते हैं 3/2 / 1 माइनस 1 इंटू बड़ा 1/r1 माइनस 1/r2। बड़ा आप सारी कैलकुलेश जानते हैं, बड़ा 1/20 1/-20 मेरे पास ये आ गया -1/10 -2 इंटू हाफ बड़ा 1/20 2/20 है। बड़ा 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया -1/10 -1/10। आई थिंक बड़ा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कम्स आउट बड़ा कितना -5। इसका मतलब सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो -5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से मिरर की आती है? कॉन्वेक्स की आती है, कॉनकेव की आती है? तो ऑफकोर्स कॉनकेव की आती है। तो इसका मतलब सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो -5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इस लेंस को और मिरर को हटा दो और इनकी जगह एक कॉनकेव मिरर लगा दो बड़ा ऐसे, और वो भी ऐसा जिसकी फोकल लेंथ हो -5 सेंटीमीटर। बड़ा इमेज का हमारे ये आप जानते हो, बड़ा 1/v तो पता करना है, +1/u बड़ा u की वैल्यू है -60 इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है -5। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/60 -1/5। आई थिंक बड़ा 60 तो एलसीएम, 1 - 12 बड़ा 12 है ना, बड़ा 12 है। आई थिंक बड़ा v कम्स आउट टू बी -60/11 सेंटीमीटर। बड़ा यहाँ कहीं आपकी इमेज आएगी, सर कितनी बड़ी इमेज आएगी? बड़ा इमेज आएगी मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा फॉर्मूला है -v/u बड़ा -v/u। यू कितना बड़ा? यू है बड़ा -60 बड़ा -60 बड़ा -60 कैंसिल, और मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई बड़ा कितनी -1/11। तो बड़ा हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ गई बड़ा कितनी -1 मिलीमीटर/11। बड़ा इमेज यहाँ की बनेगी बड़ा 60/11 पे, और बड़ा उसकी जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 1/11। आप बड़ा ऐसे बड़े आराम से सारा सारा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा बहुत बड़ा ऐसा टास्क भी नहीं है। चलिए बच्चों एक सवाल और, ऐसा सवाल बड़ा अगेन आपको HCV के अंदर और शीट के अंदर दोनों जगह मिल जाएगा। मैं तो बड़ा ऐसे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, उनमें वैल्यूज अलग होंगी, खुद ही कर लेना यार, ठीक है?
खुद ही बेटा कर लेना उसको। मैं थोड़ा ठीक है एक अलग वैल्यूज के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, ये बड़ा अगर सीख लेंगे तो वो HCV के सवाल भी हो जाएंगे और हमारी शीट मॉड्यूल DP के सवाल भी बनी जाएंगे। तो एक सवाल करो, बड़ा सवाल ऐसा है, बड़ा सवाल ऐसा है, ये लेंस, ये एक और लेंस, और ये बड़ा हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा 4/3, और बड़ा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बड़ा 10 सेंटीमीटर है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ कहीं बड़ा कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे जिसकी खुद की हाइट है बड़ा 1 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस बड़ा मुझे दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सवाल बड़ा आप जानते हैं क्या पूछूंगा मैं यार, है ना, बड़ा बिल्कुल थिन है ये डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा थिन लेंसेज है तो बड़ा डिस्टेंस बहुत कम है। सवाल बड़ा आपके पास बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड पोजिशन एंड हाइट ऑफ इमेज, बड़ा इमेज की पोजीशन और हाइट बतानी है। ये जो लेंस है बड़ा इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा माननी नहीं है, हमारे तो बड़ा हेडिंग ही थिन लेंस है, तो लेंस है बड़ा बहुत ही थिन थिन है, बिल्कुल पतले पतले हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमें बड़ा इमेज की और पोजिशन की, सर बड़ा इमेज की पोजिशन और इमेज की बड़ा हाइट तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें अपने सारे फॉर्मूले लग जाएंगे यार, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी, भाई दो लेंस हैं इनका कॉम्बिनेशन, फिर लेंस का और मिरर का कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा अपन से। वी नो दैट कि दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मिरर हुज फोकल लेंथ इज गिवन एज 1/F equivalent इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2/FL, ठीक है, 1/FM ठीक है, माइनस 2/FL, बड़ा ये दोनों लेंस को एक इकलौते लेंस से अगर रिप्लेस करना चाहो तो कोई जुगाड़ है क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल जुगाड़ है, 1/F1 + 1/F2 ऐसे है। अब बड़ा सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो वैल्यूज पुट कर दो बड़ा आंसर आ जाएगा। चलिए 1/FM बड़ा मिरर की फोकल लेंथ, मिरर तो बड़ा यहां पर एक कॉन्वेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, तो फोकल लेंथ आएगी 10 पॉजिटिव माइनस 2 1/F1 इसकी लिखते हो ना फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ 3/2 / 1 - 1 इंटू बड़ा 1/R1 - 1/R2 R1 है +10 R2 है -10 1/10 - 1/-10 अब बड़ा इसकी कैसे लिख देना 4/3 / 1 - 1 इंटू बड़ा नीचे लिख रहा हूँ बड़ा R1 है नेगेटिव R2 है पॉजिटिव 1/R1 - 1/R2 ठीक है ढंग से लिखते हैं इसको ना दैट इज 1/10 - 2 बड़ा 3/2 बड़ा है तो हाफ आ गया इंटू बड़ा 2/10 प्लस बड़ा ये आ गया 1/3 बड़ा माइनस आ जाएगा ठीक है 1/20 + 1/10 बड़ा 20 तो LCM 1 + 2 बड़ा कितना आ गया 3/20 ठीक है ना 3 से बड़ा आपका 3 कैंसिल 2 से बड़ा आपका 2 कैंसिल दैट कम्स आउट टू बी 1/10 - 2 1/10 - 1/20 1/10 - 1/20 इज आई थिंक बड़ा 1/20 1/10 - 1/20 इज बड़ा 1/20 बड़ा मेरे पास आ गए 1/10 - 1/10 बड़ा आई थिंक 1/10 - 1/10 आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 0
और अगर ये जीरो आया है इट मींस दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। इसका मतलब सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो ऐसे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है जिसके फोकल लेंथ इन्फाइनाइट हो। बड़ा फोकल लेंथ इन्फाइनाइट हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी इन्फाइनाइट होती है? आप बोलो सर प्लेन सरफेस की होती है। इसका मतलब दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर। और ये सारा का सारा अरेंजमेंट बड़ा एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। और अगर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो जितना ऑब्जेक्ट आगे है बड़ा उतनी इमेज पीछे है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा ऐसे है मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस है बड़ा आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो इमेज बड़ा यहाँ पर आएगी, उसकी हाइट भी होगी 1 मिलीमीटर और डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। ये कोई यूनिवर्सल केस नहीं बड़ा, वैल्यूज ऐसे सेट हो गए कि ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा था, वैल्यूज कुछ और आती बड़ा आंसर कुछ और भी आ सकता था। लेकिन बड़ा ये वैल्यूज इतनी आसान थी कि बड़ा ये सॉल्व करते करते आपका फोकल लेंथ तो जीरो आ गया और सॉरी बड़ा फोकल लेंथ आपकी इन्फाइनाइट आ गई। फोकल लेंथ इन्फाइनाइट आ गई तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फाइनाइट आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा इन्फाइनाइट किसका होता है? तो आप कह सकते हो सर प्लेन सरफेस का और फ्लैट सरफेस का होता है। ये बड़ा अपना आंसर।